दोस्तों रिव्यूअरिंग इस वीडियो में एजीवेंट सोमजी सिरप के बारे में, भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी प्रॉब्लम काम करती है, किस तरह से दी जाती है, डोज कितनी होती है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, जानेंगे सब कुछ, हो देखिएगा। देखिए एजीवेंट सोमजी सिरप एक ब्रांड नेम है एरिस्टो कंपनी का, एरिस्टो कंपनी बनाती है, लगभग हर दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाती है, तो ज़्यादा घूमना फिरना भी नहीं पड़ता है। दोस्तों इसको बच्चों के डॉक्टर यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, 1 साल से लेकर 2 से 3 साल तक के बच्चे में। सेल्फ यूज नहीं की जाती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करें भाई कौन सी बीमारी में दी जाती है, तो इसके अंदर आता है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन में दिया जाता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए दिया जाता है। कई बार बैक्टीरिया के कारण बच्चे को कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि जुकाम की प्रॉब्लम, कोल्ड की प्रॉब्लम, फ्लू की प्रॉब्लम, नाक में से पानी आता है, नाक बंद रहता है, गले का इन्फेक्शन है, टॉन्सिल प्रॉब्लम है, फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है वहाँ भी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, बहुत ज़्यादा बलगम जम गया है, मुक्कस जम गया है फेफड़ों में, तो वहाँ उसको निकालने के लिए भी काम कर देती है, गीली खांसी में भी काम करती है। इनके अलावा दोस्तों आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, आँख से पानी आता है, कान में कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई और कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन हो, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया किलर है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, मारता है, साथ ही साथ उनको उन प्रोटीन को बनने से भी रोक देता है जिन प्रोटीन के ऊपर बैक्टीरिया जीवित रहते हैं, जिससे कि वो सारे सारे एक साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। बात करें भाई डोज की, डोज कितनी देनी चाहिए, तो दोस्तों डोज जो होती है बच्चे की बॉडी वेट के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से ही दी जाती है, तो डॉक्टर के हिसाब से ही डोज देनी चाहिए। एक इसकी नॉर्मल डोज होती है, रात को 5 चम्मच खाने के बाद दी जाती है, 3 से लेकर 5 दिन तक। बात करें भाई साइड इफेक्ट के बारे में, तो देखिए साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे को नींद आने में दिक्कत होना, उल्टी वगैरह हो जाना, दस्त लग जाना, पेट में दर्द होना, लेकिन ये हर किसी बच्चे को नहीं होते, बहुत ही कम चांस में ही होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। सावधानी इसकी ये है कि डॉक्टर की सलाह देना है, सेल्फ यूज नहीं करना है। देने के बाद अगर बच्चे को कोई साइड इफेक्ट हो जाए, कोई स्किन एलर्जी वगैरह हो जाए, तो तुरंत डॉक्टर को बताना है। तो दोस्तों इतना संपूर्ण रिव्यू, वीडियो के लगा कमेंट में बताइएगा, कुछ भी समझा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं।